जय सियाराम, जय श्री कृष्णा। सरदार शहर के मित्तासर गांव की गौशाला में जो गवों के लिए सेवा हो रही है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये लापसी बन रही है, इसमें हमेशा के हमेशा लिए लापसी बनाते हैं गवों के लिए। लापसी क्या होता है कि कणक की बोलते हैं, कणक को दलकर बनाई जाती है, कणक में गुड़ मिलाते हैं, लापसी में गुड़ डालकर मीठी की जाती है। तो ये गवों के लिए लापसी बन रही है, भाई साहब लापसी तैयार कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सुबह मीठी लापसी, शाम को चरकी लापसी बनते हैं गवों के लिए, पूछताछ करते हैं। चलो भाई साहब, जय गौ माता की। जय गौ माता की। जय गौ माता की। क्या बन रहा है ये? लापसी। लापसी? हाँ। लापसी है मीठी है चरकी है? मीठी है। मीठी है, हमेशा लिए बनाते हो क्या? डेली, परमानेंट। परमानेंट, अच्छा परमानेंट। कितनी लापसी तैयारी होती है? छः कुंटल बनाते हैं दोनों टाइम। छः कुंटल की दोनों के टाइम? अच्छा, दोनों टाइमों की। बहुत अच्छा, शानदार सेवा चल रही है भाई। देखे लापसी बन रही है, लापसी दोनों टाइम में ये बता रहे हैं जो गौ माता के लिए छः कुंटल की लापसी तैयारी। तो ये लापसी बन रही है, मीठी है क्या? मीठी है। और शाम को चरकी बनाते हो? शाम में चरकी। अच्छा अच्छा, चरकी शाम को, चरकी लापसी बनाती है और इसी टाइम में मीठी लापसी बनाते हैं। तो बहुत शानदार सेवा चल रही है। ये देखिए मित्तासर गांव में जो गौशाला, अभी ये कितनी देर में तैयार हो जाएगी? घंटा एक में। घंटा एक में, एक घंटा के अंदर तैयार हो जाएगी? एक घंटा के अंदर ये लापसी तैयार हो जाएगी, सीध जाएगी और गवों को, सारों को, सारों को खिलाते हो क्या? सारों को खिलाते। सारों को खिलाते। कितनी गौशाला में गौ माताएं कितनी है कुल? 200 गवों को मतलब लापसी खिलाई जाती है, डेली लापसी खिलाई जाती है। अब ये तैयार हो रही है लापसी, अभी कुछ ही टाइम में तैयार हो जाएगी। देखिए एक ऐसा अनुभव होना चाहिए क्योंकि रियल में ये लापसी तैयार हो रही है। अभी मैं दिखाऊँ आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और गौ माता की बड़ी कृपा है। और पानी की, पीने के पानी की फुल व्यवस्था यहाँ पर देखिए। जो भी स्टाफ लोग हैं इस गौशाला के, वो बहुत अच्छी सेवा शानदार दे रहे हैं। ये गौ माता के लिए अनाज है वो कट्टों के अंदर, जो कणक वगैरह है वो दानदाताओं को जो भी यहाँ देते हैं उसको। गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है। जो इंसान गौ की सेवा करता है वो अपने 7 जन्मों के वो कर्मों का फल है, वो बहुत अच्छे कर्म होते हैं और उनसे मतलब गौ सेवा कर अपना जीवन सफल कर लेते हैं। तो ये गौशाला के अंदर गायें हैं, वो बहुत अच्छी शानदार सेवा हो रही है यहाँ पर। देखिए पीने के पानी की फुल व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, बहुत शानदार।